चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये द हिंदू का मेरा सेशन 17th सेशन एडिटोरियल एनालिसिस ये स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों, ये सेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आप जानेंगे, स्ट्रक्चर्स जो आप पढ़ते हैं उनके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ जानेंगे जो आपकी एग्ज़ाम्स में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप अपनी राय जब भी पढ़ लेते हैं, अपनी राय जरूर दिया करें कि सारे एडिटोरियल्स पढ़ने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं और किस तरीके से और इनको बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल सेशन नंबर 17 ऑन 16th ऑफ मे फ्रॉम द हिंदू। ओके, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कोट है आपके सामने, कोट दैट मोटिवेट्स यू, यानी वो कोट जो आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है, मीन्स आपको प्रेरित करता है। वो ये बताता है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और कौन सी परिस्थितियां आपको ज़िंदगी में फेस करनी होती हैं। तो कह रहे हैं सक्सेसफुल, यानी सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल, यानी जो सफल लोग होते हैं और जो असफल लोग होते हैं, डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज़। यानी चाहे कोई सफल व्यक्ति होता है, चाहे वो असफल व्यक्ति होता है, डू नॉट वेरी, यानी वो अलग नहीं होता है ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, इन देयर एबिलिटीज़, अपनी योग्यताओं में। यानी चाहे आप सफल हो, चाहे आप असफल हो, लेकिन सफल और असफल दो चीज़ों के बीच में या दो तरह के लोगों के बीच में बहुत फ़र्क नहीं होता है। तो फ़र्क होता कहाँ है, कह रहे हैं दे वेरी इन देयर डिज़ायर्स, बल्कि फर्क होता है उन दो अलग अलग लोगों की इच्छाओं में। कौन सी इच्छाओं में, टू रीच देयर पोटेंशियल, कि वो अपनी क्षमता, अपनी पोटेंशियल का कितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी समझ रहे होंगे आप, यानी कोई सफल है और कोई असफल है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा आप वैरी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाएंगे। अंतर किन चीज़ों का होगा, यानी उनकी एबिलिटीज़ में अंतर नहीं कर पाएंगे आप। अंतर किस चीज़ में कर पाएंगे, कि कार्य करने के प्रति जो पोटेंशियल की आवश्यकता होती है, वहाँ तक, उस पोटेंशियल तक कौन किस लेवल तक पहुँच पाता है। तो जो सफल होता है ना, वो उस पोटेंशियल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और जो असफल होता है वो कहीं कहीं बच्चों उस पोटेंशियल का कम इस्तेमाल करता है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस, यही वो मेन अंतर है जो एक को सक्सेसफुल बनाता है और एक को अनसक्सेसफुल बनाता है। कहने का सेंस ये कि जब भी आप कोई कार्य करें तो अपना 100% दें, आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं उन सभी क्षमताओं का क्या करें, उपयोग करें। अर्थात कोई लेकिन, कोई इप्स एंड बट्स न रह जाए, कोई किंतु परंतु न रह जाए, अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने की कोशिश करें। तो हम लोग भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो आप रिपीटेड वर्ड्स के रूप में आप तैयार करें। ये सारी वर्ड्स देखें आप, ठीक है, सारी वर्ड्स देखें और सोचें कि क्या ये सारी वर्ड्स आपने पढ़े, तो क्या ये सारी वर्ड्स आप जानते हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, सारी वर्ड्स मैं पढ़ रहा हूँ और आप तब तक सोचें कि क्या इन वर्ड्स की मीनिंग्स आपको तैयार हो गई हैं, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और आपका फर्ज है बच्चों, आपको कहीं कहीं इस पोटेंशियल का इस्तेमाल करना होगा, कि अगर आपने सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं तो क्या आप इनका फ़ायदा लिया, क्या आप इसका प्रॉफिट या बेनिफिट ले पा रहे हैं, कि हाँ ये वर्ड्स इतने हमारे क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। इसलिए मैं इन्हें रिपीटेड वर्ड्स के नाम से डाल रहा हूँ, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप इन वर्ड्स को छोड़ें ना, यानी इनको अपनी पोटेंशियल बनाएं, अपनी ताकत बनाएं। ठीक है, तो क्या पहला वर्ड आपको तैयार है, सकर तैयार है आपको, क्या मेजर याद है, थ्रेट याद है आपको, प्रोटेक्ट याद है, क्राइसिस याद है, माइग्रेंट याद है, लाइवलीहुड्स याद है, इनिशियली तैयार हो गया आपका, एम्बार्क तैयार हो गया, एड्रेस इस सेंस में तैयार है, कोई अपार्ट फ्रॉम है कोई चीज़ तैयार है, एक्सटेंड करना तैयार है, इंश्योर करना तैयार है, वेसिस तैयार है, इम्प्लीमेंटेशन तैयार है, फिशकल तैयार है, स्टिम्यूलेट तैयार है, रिकॉग्नाइज तैयार है, रिमेन्स नॉट अवशेष के सेंस में, वर्ब के रूप में रिमेन्स तैयार है,
और इंस्ट्रक्शंस तैयार हैं। क्या ये सारे वर्ड्स आपको याद हैं बच्चों? अगर ये याद हैं तो आप समझिए आप एडिटोरियल पढ़ने का फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि ये मैंने कहा वही वर्ड्स हैं जो इस एडिटोरियल में जो आज आपको पढ़ना है उसमें रिपीट किए गए हैं। और अगर ये रिपीट किए गए हैं इट मीन्स निश्चित ही आप इन्हें पढ़ चुके हैं, और अगर पढ़ चुके हैं तो आपको इनके वर्ड्स, इनके वर्ड मीनिंग्स तो आनी चाहिए ना। तो कितने वर्ड्स आपको तैयार है? सकर याद है आपको, राहत सहायता जो होती हेल्प जो होती है वो सकर होता है, ठीक है। मेजर आपको याद है नाउन के रूप में उपाय, जो भी आप रिजोर्ट्स लेते हैं या मीन्स अपनाते हैं, आप कोई उपाय करते हैं, आश्रय लेते हैं, वो आपका मेजर्स होते हैं आपके। थ्रेट आपको याद है, कोई खतरा कोई चुनौती, प्रोटेक्ट तो आना ही चाहिए, रक्षा करना सुरक्षा करना। क्राइसिस जो लोगों के जीवन में आती रहती है मेन संकट। माइग्रेंट जो प्रवासी हैं, जिन्होंने अपनी जगह से जहां वो रहते थे वहां से माइग्रेट किया था, और उसी माइग्रेशन करने के कारण उन्हें क्या कहा जा रहा है? माइग्रेंट कहा जा रहा है। लाइवलीहुड्स आजीविका आपका। इनिशियली इनिशियल से बना है, इनिशियल प्रारंभिक, तो इनिशियली प्रारंभिक रूप से, ये वर्ड्स आपको याद होगा बच्चों। इनिशिएट, इनिशिएट से ही क्या बना? इनिशिएटिव, इसी इनिशिएट से क्या बना? यहां लिख दे रहा हूं इनिशियल, है ना। तो दिस इज सो इनिशिएटिव, ओके, इनिशियली इससे बना। एम्बार्क याद है आपको, कोई यात्रा वगैरह है, कोई कार्य प्रारंभ करना। एड्रेस, ये एड्रेस पते के रूप में नहीं, इस एड्रेस में किसी समस्या वगैरह का समाधान निकालना, उसका निराकरण करना। अपार्ट फ्रॉम, लोगों से या चीजों से जो अलग है, अपार्ट फ्रॉम, जैसे अपार्ट फ्रॉम द फार्मर्स, यानी उन फार्मर्स से अलग। एक्सटेंड बढ़ा देना, इसी से आपके ये वर्ड्स याद होगा आपको। एक्सटेंसिव बना विस्तृत। एक्सटेंशन बोर्ड आप कहते हैं ना, एक्सटेंशन इसी से बना आपका, इसी से एक्सटेंट बना आपका, किसी चीज की हद उसकी सीमा। चले इनश्योर याद है आपको, इनश्योर सुनिश्चित कर देना किसी चीज को, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा इस इनश्योर से, ये ना इनश्योर बीमा कराना, लेकिन ये ई एन एस यू आर ई सुनिश्चित कर देना। वेजेस याद है आपको, याद है कितने बच्चों को याद है सोचें, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये चीज देखिए आप, ये वेजेस है, ठीक है। इस वेजेस मीन्स जो यहां पर है वो क्या है? तनख्वाह या मजदूरी है, लेकिन आप जानते हैं एक वेजेस और होता है। इस वेजेस मीन्स क्या होता है? फल या परिणाम, ठीक है, याद रखिएगा। जब आप वेजेस को मजदूरी या पारिश्रमिक के सेंस में लेते हैं तो हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब लीजिएगा, और जब वेजेस को आप परिणाम या फल के रूप में लेते हैं तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लीजिएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज का क्रियान्वयन, जब आप किसी चीज को लागू करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, मीन्स आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है, मीन्स उसका क्रियान्वयन होता है, वो चीज प्रभाव में आता है, लागू होता है। फिस्कल याद है आपको, फिस्कल आर्थिक, जो चीज मुद्रा से संबंधित होता है वो फिस्कल होता है। स्टिम्युलेट, किसी को प्रेरित करना उत्तेजित करना। रिकॉग्नाइज पहचानना होता है, लेकिन किसी चीज को स्वीकार करना मानने के सेंस में आप रिकॉग्नाइज का प्रयोग करते हैं। रिमेन यहां वर्ब के रूप में है, इस एडिटोरियल में दिया गया है। रिमेन मीन्स जो चीज बना रहता है पड़ा रहता है वो रिमेन है आपका। और इंस्ट्रक्शंस जो आपके बड़े लोग आपको देते हैं, इंस्ट्रक्शंस मीन्स इससे बना है। इंस्ट्रक्ट दिशा निर्देश देना, बताना कि कोई कार्य कैसे करना है, ये इंस्ट्रक्ट होता है, और इसी में आई ओ एन जोड़ करके क्या बना दिया गया? नाउन बना दिया गया, तो इंस्ट्रक्शन हो गया। ये सारे रिपीटेड वर्ड्स थे जो मैंने आपको समय दिया, जैसे जैसे आप एडिटोरियल पढ़ते जाएं
आप ये देखते जाएं, क्योंकि मैं पहला ऐसा शख्स होऊंगा जिसने रिपीटेड वर्ड्स डाले अपने एडिटोरियल्स में, क्योंकि मेरा टारगेट केवल यहाँ पढ़ाना नहीं, मेरा टारगेट है आपको कंपटीशन के लेवल पे आपकी वर्ड पावर को भी मजबूत करना। तो फिर निश्चित रूप से ये वर्ड्स ही आपके काम आएंगे जो आप हर एग्जाम में पाते हैं, और द हिंदू के वर्ड्स हर एग्जाम में सबसे अधिक दिए जाते हैं अगर इंग्लिश के जहाँ तक संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और इस सेक्शन हमारा आप जानते हैं वोकैब का सेक्शन है ये आपका। ठीक है, तो जो पहला वर्ड आपको दिया गया है वो है सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल क्या होता है? सब्सटैंशियल से बना है ना, जो चीज इंपॉर्टेंट हो आपके लाइफ में, मीनिंगफुल हो या कंसीडरेबल। कंसीडरेबल मीन्स पर्याप्त, अधिक, तो वो क्या है? सब्सटैंसिव है, मीन्स सब्सटैंशियल के सेंस में, महत्वपूर्ण के सेंस में। तो सब्सटैंसिव मीन्स महत्वपूर्ण, जो चीज इंपॉर्टेंट हो वो क्या है? सब्सटैंशिव है। जो चीज मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण है, वो सब्सटैंशिव है। जो चीज कंसीडरेबल है मीन्स क्या है? पर्याप्त है, अधिक है, वो भी सब्सटैंशिव है आपका। ठीक है, जैसे बहुत बार आप सब्सटेंसिव एफर्ट्स करते हैं, मीन्स कंसीडरेबल एफर्ट्स करते हैं, अर्थात पर्याप्त प्रयास करते हैं आप। ठीक है, तो सब्सटेंसिव याद हो गया, सब्सटेंसिव, सब्सटेंसिव मीन्स पर्याप्त या महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्नोबॉल। सोच के देखें बच्चों, स्नो, स्नो बर्फ होती है, बाल समझते हैं आप, कोई ऐसी बाल जो बर्फ की हो वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, दिस इज मीन्स गलती जाएगी। तो स्नोबॉल मीन्स इंक्रीज रैपिडली इन साइज इंटेंसिटी आर इंपॉर्टेंस। कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी चीज जो अपनी साइज में, आकार में, अपनी इंटेंसिटी में यानी अपनी तीव्रता में या अपनी इंपॉर्टेंस में इंक्रीज रैपिडली, तेजी से बढ़ती जा रही हो, वो चीज क्या कर रही है? स्नोबॉल कर रही। ध्यान रखिएगा ये वर्ब है यहां पे स्नोबॉल, अर्थात तेजी से बढ़ते जा। ठीक है, तो कभी जिंदगी में अगर कुछ चीजें स्नोबॉल कर रही हैं तो उनकी इंटेंसिटी, उनकी इंपॉर्टेंस या उनका साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, वो स्नोबॉल कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेवल्स, नाउन के रूप में। ये ट्रेवल्स नहीं, ध्यान रखिएगा, ये ट्रेवल्स नहीं, ये ट्रेवल्स नाउन के रूप में है। अ फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन, यानी जब आप एक मानसिक या शारीरिक प्रयास करते हो, और पीस ऑफ वर्क या फिर कोई कार्य करते हो, तो वो आपका ट्रेवल्स कहलाता है। शारीरिक या मानसिक कठिनाई जो होती है, प्रयास होता है या जो कार्य है, वो क्या है? आपका ट्रेवल्स है। जैसे जो मजदूर है ना, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर, इनको बहुत सारा ट्रेवल्स का सामना करना पड़ रहा है, मीन्स उनको बहुत सारा शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ट्रेवल्स याद हो गया, TREVAILS, ट्रेवल्स, शारीरिक या मानसिक कठिनाई। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका स्टार्व। ये दो अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं स्टार्व मीन्स भूखा रहना भी होता है, तो स्टार्व मीन्स भूखा रखना भी होता है। अगर आप भूखे रह रहे हैं तो भी आप स्टार्व करते हैं, और अगर आप किसी को भूखा रखते हैं तो भी आप उसे स्टार्व करते हैं, मीन्स सफर और डाई फ्रॉम हंगर। यहाँ फ्रॉम के स्थान पे आप ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बल्कि कंपटीशन में डाई ऑफ हंगर को प्रीफरेंस दिया जाता है, न कि डाई फ्रॉम को। ठीक है, तो सफर और डाई फ्रॉम हंगर यानी भूख से मर जाना, या कॉज टू सफर और डाई फ्रॉम हंगर या किसी को भूख से मरने का कारण बनना, अर्थात उसे भूखों मार देना। तो याद हो गया आपको स्टार्व मीन्स, स्टार्व भूखों मरना भी होता है और किसी को भूखों मारना भी होता है। जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो छोटे छोटे लोगों को बहुत बार स्टार्व कर देते हैं, मीन्स उन्हें भूखों मार देते हैं, और बहुत बार जो गरीब होते हैं उन्हें स्टार्व करना होता है, मीन्स भूखों पड़े रहना होता है, भूखों मरना होता है, दिस इज स्टार्व। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं अपने जो हमारे सामने हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट वर्ड, और पहला फ्रेजल वर्ब है आपके पास एक पुश इनटू। नॉर्मल है, समझ सकते हैं बच्चों, जब आप किसी को किसी परिस्थिति में पुश कर देते हैं, उसे ढकेल देते हैं, तो आप उसे पुश इनटू, अर्थात उस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं? आप उसे जाने के लिए विवश कर रहे हैं, उसे बाध्य कर रहे हैं आप। तो दिस इज पुश इनटू, मीन्स फ्रेजल वर्ब
टू फोर्स समवन, किसी को बाध्य कर देना आर समथिंग, या किसी चीज को बाध्य कर देना इनटू समथिंग आर सम प्लेस बाय शोविंग, उसे उसमें झोंक करके, थ्रस्टिंग ढकेल करके, आर प्रेसिंग ऑन देम, या उन पर दबाव डाल के अगर कोई कार्य कराते हैं तो आप उन्हें पुश इनटू करते हैं, मीन्स आप उन्हें मजबूर कर रहे हैं, आप उन्हें ढकेल रहे हैं, मीन्स आप उन्हें क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कर रहे हैं, उस चीज में प्रवेश करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, मीन्स एक तरह से आप उन्हें एक तरह से कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, विकल्प नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें पुश इनटू कर दे रहे हैं, मीन्स उस परिस्थिति में उन्हें ढकेल दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेन्यूरी। एक वर्ड तो आप बचपन से जानते हैं, पॉवर्टी होता है ना, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, ये समझते होंगे बच्चों, किससे बना है, पुअर से, पुअर मीन्स गरीब। तो पॉवर्टी क्या होती, एक गरीबी कहते हैं, बट बहुत बार आदमी दरिद्रता की स्थिति में आ जाता है, वो जो दरिद्रता है ना, मीन्स अत्यंत गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसे आप कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पेन्यूरी। यही क्या है, पेन्यूरी है आपका, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ बींग वेरी पुअर, यानी वो अवस्था जब आप बहुत गरीब हो, एक्सट्रीम पॉवर्टी हो, बहुत अधिक गरीबी हो, तो उस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं, पेन्यूरी नाम देते हैं, अर्थात हम पेनीलेसनेस के शिकार हैं, पाई पाई के हम मोहताज हैं, हम इम्पेक्यूनियस के शिकार हैं, या इम्पेक्यूनियसनेस के शिकार हैं, गरीबी के शिकार हैं। इम्पेक्यूनियस कौन होता है, जो गरीब होता है, इम्पेक्यूनियसनेस क्या हो जाएगी, गरीबी के शिकार हैं, या फिर हम एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हैं, मीन्स हम गरीबी के शिकार, ठीक है। इस दुनिया में और स्पेशली बहुत सारे इलाके हैं भारत में जहाँ पेन्यूरी बहुत अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग बहुत अधिक इम्पेक्यूनियस हैं, मीन्स बहुत अधिक गरीब हैं, उनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो याद हो गया, पेन्यूरी, पेन्यूरी मीन्स गरीबी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आर्डवस। बहुत बार आपका जो लक्ष्य होता है ना, कि वो इतना कठिन होता है, इतना बड़ा होता है, कि आपको आर्डवस एफर्ट करना पड़ता है, मीन्स कठिन प्रयास करना पड़ता है, तो आर्डवस हार्ड है ना, कठिन। तो दिस इज इन्वॉल्विंग आर रिक्वायरिंग स्ट्रेनुअस एफर्ट, स्ट्रेनुअस मीन्स भी कठिन होता है, हार्ड। तो जब आपको बहुत कठिन प्रयास करने की जरूरत पड़ती है तो आप आर्डवस एफर्ट करते हैं। डिफिकल्ट आर टायरिंग, कोई ऐसी चीज जो बहुत कठिन हो, टायरिंग हो, आपको थका देने वाली हो, अर्थात वो लेबोरियस हो, बर्डनसम हो, डिफिकल्ट हो, टैक्सिंग हो, या वंडरस हो, जिसमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता हो, तो वो प्रयास आपका कैसा है, वो प्रयास आर्डवस था। जैसे कोई कहे वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे, और जब चढ़ रहे थे तो उन्हें क्या करना पड़ा था, आर्डवस क्लाइंबिंग करनी पड़ रही, कठिन चढ़ाई करनी पड़ रही थी, दिस इज आर्डवस, कठिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सप्लिसिट। आप जानते हैं एक्सप्लिसिट, और ये वर्ड अगर याद कर लें आप, ये मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां देख, इम्प्लिसिट, जो चीज छिपी हुई होती है, अस्पष्ट होती है, अनक्लियर होती है, एम्बिग्यूअस होती है, वो क्या होती है, अस्पष्ट। लेकिन जो चीज क्या होती है, जो चीज यहां देख लेते हैं, यहां जो चीज क्लियर है, बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल प्लेन है, बच्चों ये प्लेन नहीं, यहां पे है, गलत है, आपको ये प्लेन ही यूज करना है, PLAIN, बिल्कुल साफ प्लेन है, ऑब्वियस है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर कट है, वो क्या है, बिल्कुल अस्पष्ट है, और जो चीज अस्पष्ट है वो चीज क्या है, बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, न कि इम्प्लिसिट है। तो याद हो गया दो वर्ड्स आपको, इम्प्लिसिट जो अस्पष्ट हो, छिपा हुआ हो, और एक्सप्लिसिट जो चीज अस्पष्ट हो। आप समझ सकते हैं, एक्सप्लिसिट जब अपनी भावनाएं बिल्कुल बाहर निकालकर सामने लेते आते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्सप्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट यानी अस्पष्ट कथन, अर्थात स्टेटेड क्लियरली, जो बिल्कुल साफ साफ कहा गया हो, एंड इन डिटेल, और विवरण के साथ कहा गया हो, लीविंग नो रूम फॉर कंफ्यूजन और डाउट, और जिसके बाद अब किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या डाउट न रह गया हो, तो जिस चीज में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना हो, वो चीज क्या है आपकी, एक्सप्लिसिट है, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ये वर्ड्स लास्ट हमारे पास है, देख लें,
पहला वर्ड है आपका फ्रेजाइल। बहुत बार क्या होता है, कोई चीज़ बहुत मुलायम होती, टूटने योग्य होती, आसानी से टूट जाती है, तो वो फ्रेजाइल होती है। बहुत बार हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं बहुत फ्रेजाइल होती हैं, अर्थात इच्छाएँ जो आसानी से टूट जाया करती हैं। बहुत बार हमारी आजीविका जो होती है वो फ्रेजाइल होती है, अस्थाई होती है, कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है। दिस इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स क्या हो जाएगा, कोई चीज़ जो कोमल है या कमज़ोर है, या ये कह सकते हैं बच्चों आप, जो चीज़ आसानी से टूटने योग्य। ये ट लिखा है मैंने, ट है, टूटने योग्य। ठीक है, भावना पे जाइए बच्चों, शब्दों पे नहीं जाइए। ठीक है, वैसे भी अभी देख रहे हैं थोड़ा सा मैं बेहतर कर ले रहा हूँ, आगे और भी मैं आपको बेहतर करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप अपना बस सपोर्ट बच्चों बनाए रखें, लोगों को बताते रहें, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो, जो आप कर सकते हैं आप वो करें, और मैं जो आपके लिए कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, और मैं हर हाल में देख रहे होंगे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, आगे और बेहतर मैं करके आपको दूंगा। ठीक है, बस आप मेरे प्रति अपना जो विश्वास है बनाए रखें कि मैं जब भी कुछ करूंगा आप बच्चों के लिए वो बेहतर ही करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो चीज़ ईजिली ब्रोकन हो आर डैमेज्ड हो, यानी जो आसानी से टूट सकती हो, आर डैमेज्ड या ख़राब हो सकती हो, वो चीज़ क्या है, ब्रेकेबल है, आसानी से टूट सकती है, ब्रिटल है, क्षणभंगुर है वो, फ्रेंजिबल है, कमज़ोर है वो, स्मैशेबल है, आराम से टूट सकता है, स्प्लिंटरी है, मीन्स अस्थायी था, टूट सकता है। तो फ्रेजाइल क्या हो जाएगा, जो कमजोर है, कोमल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वेवर। जैसे मैं वोडाफोन का यहां का स्पेशल कस्टमर हुआ करता था, पोस्ट पेड मेरी सिम हुआ करती थी, उसमें मैं जो उनकी सबसे बड़ी स्कीम होती थी वो मैं यूज करता था। तो बहुत बार ऐसा होता था जहां पे मेरा जो बिल होता था बहुत ज्यादा आ जाता था, तो जो वोडाफोन में मेरे को मानते थे तो वो कहते थे सर मैं आपको कुछ वेवर दिलवा दे रहा हूँ, अर्थात जो बिल आई हुई है उसमें कुछ छूट आपको, रियायत दिलवा दे रहा हूँ, दिस इज वेवर। तो वेवर वेव से बना है बच्चों, एन एक्ट आर इंस्टांस ऑफ वेविंग, है ना, अ राइट आर क्लेम। वेव मीन्स क्या होता है, छोड़ देना, पीछे हट जाना। जब भी आप कोई राइट, कोई अधिकार है या आपका कोई दावा है, इसको आप वेव करते हैं, उस पर छोड़ते हैं उस दावे अधिकार को, तो वो नाउन के रूप में क्या हो जाता है, वेवर हो जाता है। यानी आप क्या शो कर रहे हैं, आप एक रिनंसिएशन शो कर रहे हैं, अर्थात त्याग रहे हैं आप सरेंडर कर दे रहे हैं, अर्थात पीछे हट जा रहे हैं। देखिए ये कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये रिनंसिएशन है तो ये भी आपको याद होगा, ये प्रोनंसिएशन है ये भी आपको याद होगा शायद, ये डिनंसिएशन है ना। और ये शब्द, ये जो जितने भी शब्द मैंने लिखे, रिनंसिएशन रिनाउंस से बना, प्रोनंसिएशन प्रोनाउंस से बना, और डिनंसिएशन डिनाउंस से बना। ठीक है, रिनाउंस मीन्स क्या होता है, त्याग करना, प्रोनाउंस आप जानते हैं उच्चारण करना, और डिनाउंस मीन्स सार्वजनिक रूप से किसी की तीखी निंदा करना। ठीक है, तो ये रिनंसिएशन हो गया आपका, सरेंडर आप जानते हैं। तो जब भी आप अधिकार या दावा छोड़ने का कार्य करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं, वेवर दे रहे होते हैं। ठीक है, वेवर याद हो गया, अपने अधिकार या दावे को छोड़ने का जो कार्य है वो वेवर होता है। सेकंड लास्ट वर्ड है आपका बेनिफिशरीज। अभी जैसे आप देख रहे होंगे बहुत बार ऐसा होता है, कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, वो किसी को किसी चीज़ का लाभार्थी बना दे, अर्थात उनको उस चीज़ का लाभ देते हैं। तो जो लोग लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं ना, वो कौन कहलाते हैं, बेनिफिशरीज कहलाते हैं। तो बेनिफिशरीज अ पर्सन, यहाँ मैंने प्लूरल दिया है लेकिन ध्यान रखिएगा, यानी पर्सन हो जाएगा, यानी द पर्सन्स हु डिराइव एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, जो किसी चीज़ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, किस चीज़ से स्पेशली, विशेष रूप से किसी ट्रस्ट से लाभ ले रहे हैं, विल यानी वसीयत से लाभ ले रहे हैं, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या जीवन बीमा की जो पॉलिसी होती है उससे लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे लाभ लेने वालों को हम क्या कहते हैं, बेनिफिशरीज कहते हैं। और अगर सिंगुलर रहता ये जो IES आपने लिखा है, इसके स्थान पे क्या हो जाता, वाई हो जाता है आपका। तो अगर कोई बेनिफिशरी है तो क्या है, वो लाभार्थी है। ठीक, उस चीज का वो लाभ ले रहा है। लिक्विडिटी, ये बैंक की लैंग्वेज एक्चुअली होती है, बैंकिंग में इस्तेमाल होती है।
लिक्विड असेट्स या कैश, अर्थात जो आपके पास नकद पूंजी होती है वो बैंक की भाषा में क्या कहलाती है, लिक्विडिटी कहलाती है, या इस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं लेन देन, जो नकद कैश का लेन देन होता है वो भी आपका लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो हमने जो वर्ड्स पढ़े बच्चों आप शायद जल्दी से देख सकते हैं, तो आपको याद हो गया फ्रेजाइल, जो चीज बहुत कोमल होती है, टूटने योग्य होती है, अस्थाई कह सकते हैं, टेम्पोररी कह सकते हैं, जो चीज वेवर है क्या है, याद हो गया आपको, जब किसी दावे या अधिकार को छोड़ने की बात होती है वो वेवर कहलाता है। बेनिफिशरीज याद हो गया आपको, जो लाभार्थी होते हैं किसी ट्रस्ट या विल या किसी भी संस्था से लाभ ले रहे होते हैं। लिक्विडिटी याद हो गया आपको, कैश नकद को कहते हैं आप। पुश इनटू याद हो गया आपको, किसी तरफ या किसी चीज की तरफ जबरदस्ती ढकेल देना, मजबूर कर देना उस चीज में जाने के लिए। पेन्यूरी एक्सट्रीम पॉवर्टी को कहते हैं। आर्डुअस, जब कोई चीज कठिन हो, कठोर हो, आर्डुअस नॉर्मली आपका जो प्रयास होनी चाहिए, आपकी जो मेहनत होनी चाहिए वो आर्डुअस होनी चाहिए। एक्सप्लिसिट मीन्स जो चीज अस्पष्ट हो, जिसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट की गुंजाइश न हो, वो क्या है आपका, आर्डुअस है। ठीक है, और ये वर्ड आपने पढ़ा था। सब्सटैंशिव, जो चीज क्या हो, महत्वपूर्ण हो, जो चीज हो वो आपका सब्सटैंशिव है। स्नोबॉल क्या है आपका, जो चीज तेजी से क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तीव्रता में बढ़ रही हो, मीन्स इंटेंसिटी में बढ़ रही हो, साइज में बढ़ रही हो या इंपॉर्टेंस में बढ़ रही हो, वो स्नोबॉल कर रही है। ट्रेवल्स, जब शारीरिक या मानसिक कठिनाई या कार्य जो हो वो ट्रेवल्स कहलाते हैं। और स्टार्व, भूखों रखना भी हो सकता है और भूखों मारना भी हो सकता है, मीन्स भूखों रहना भी हो सकता है। और ये सारी वर्ड तो आप पढ़ ही चुके हैं, देख चुके हैं, तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अच्छा, ये दो वर्ड्स और हैं, देख लें बच्चों, सॉरी, देख लें। क्रक्स, क्रक्स क्या होता है, किसी चीज का जो डिसाइसिव पॉइंट होता है, जो निर्णायक बिंदु होता है वो क्रक्स होता है, ये ना, द डिसाइसिव आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट इश्यू, यानी जो कोई मुद्दा है उस मुद्दे का जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे निर्णायक बिंदु होता है वो क्या होता है, एक क्रक्स होता है। ठीक है, जैसे अब हम एक क्रक्स पर पहुंच रहे हैं, अर्थात हम एक निर्णायक बिंदु पर पहुंच रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्क रूप में, फॉल शॉर्ट ऑफ, अर्थात कमी रह जाना कहीं ना कहीं, अर्थात असफल हो जाना, जो हम प्रयास करें अगर हम कहीं उसमें फॉल शॉर्ट कर जा रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रह जा रहे हैं, अर्थात अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, तो फेल टू रीच इट्स टारगेट, जो अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाए, इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ, ओके, असफल हो जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये सेक्शन हमारा है एडिटोरियल का। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये टोन मैंने बताई, टोन समझते होंगे बच्चों, जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं तो आपसे पूछे जाते हैं कि इस पैसेज का टोन क्या है, तो अगर आप इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि इस एडिटोरियल का जो टोन है पहले वो क्या है, सब्जेक्टिव, और अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में भी क्या है, तो आप बता सकते हैं सब्जेक्टिव में सजेस्टिव है, अगर आप ना दिख रहा हो, सजेस्टिव है, यानी इसमें लेखक जो है वो सुझाव देने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो कैसे क्रियान्वित होनी चाहिए। ठीक है, और समरी ऑफ द एडिटोरियल में समझ रहे होंगे, मैं समराइज करके आप बता दे रहा हूं कि इसमें आपको क्या किया गया। एक्चुअली इस एडिटोरियल में आपको ये बताने की कोशिश की गई है, जैसा कि अभी जो हमारे वित्त मंत्री हैं सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया, क्या किया, 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज का उन्होंने अनाउंस किया। ये 20 लाख करोड़ रुपए किन के लिए, उन लोगों के लिए जो इस समय जरूरतमंद हैं। ये जरूरतमंद लोग कौन हैं, जो कोरोना प्रभावित यानी कोरोना से अफेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, उन्हीं के लिए उन्होंने वो घोषित किया कि इतने करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो उन्हें डिलीवर किया जाए। लेकिन लेखक के अनुसार ये है कि ये जो कोरोना का पैंडेमिक है, इसमें केवल मजदूर वर्ग ही परेशान नहीं, इसमें जो अर्बन पुअर हैं वो भी परेशान है, जो शहरी गरीब हैं वो भी इसी दायरे में आ रहे हैं, और निर्मला सीतारमण जी ने इन सारे लोगों को अपने दायरे में लिया है,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय व्हाट कह सकते हैं, राष्ट्रीय रोजगार सुरक्षा योजना के तहत, इस योजना के तहत जो दोबारा मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया, इन लोगों को कहीं कहीं इतनी श्रेणी में लाया जा रहा है कि इन्हें भी लाभ इसका मिले। लेकिन लेखक का यह कहना है कि ठीक है, आप 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, इकोनॉमिक पैसेज आप दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात, ये वेलकम करने योग्य आपका कदम है, लेकिन मेन चीज नहीं, मेन चीज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात उसका क्रियान्वयन, कि क्या वास्तव में ये योजनाएं उन लोगों तक पहुंच रही हैं, क्या वास्तव में क्रियान्वित तो हो रही हैं जिन लोगों के लिए इन योजनाओं को आपने क्या किया है या इस योजना का आपने शुरुआत की है। मेन यही आपका टाइटल यहां पे है कि गरीबों के लिए एक और पैकेज, यानी एक पैकेज ऐसा जो गरीबों के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली चीज कि ये उन तक पहुंचे और दूसरी चीज अभी उन्हें और अधिक लेवल पे सहायता करने की क्या है, आवश्यकता है। किनको? दो लोग, वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मीन्स प्रवासी मजदूर हैं, और वो जो अर्बन पुअर हैं, अर्थात शहरी गरीब हैं, इन सारे लोगों की मदद करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल, और जहां भी आपकी दिक्कतें हों, आप अपने सजेशंस बच्चों हमेशा मेरे को देने की कोशिश करें। आप देख रहे होंगे अभी थोड़ा बहुत एक लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, जहां चाह है वहां राह है। हमारे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं हमारे पास, हम दो लोग स्पेशली इस पे काम करते हैं, स्पेशली इस समय तीन लोग कह सकते हैं अगर वर्ड पावर को हम इंक्लूड करें तो, मैं, सचिन और राजू। स्पेशली मैं और सचिन ये सारी चीजें मैनेज करते हैं कि हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। अभी आप जो पहले एडिटोरियल्स पढ़ रहे होंगे, अभी जो पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे लेवल में कहीं कहीं थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। ठीक है, आप बस, मैंने कहा ना, अपना सपोर्ट बनाएं, हम इनको और बेहतर कर सकते हैं, बस हमें ये रहे कि हाँ बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, बच्चे भी अन्य बच्चों को क्या करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं कहीं हम बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी समय लगेगा, अभी तो हम बेहतर ही देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी है क्या कुछ अलग कुछ बेहतर। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते जाएं, सुपर 60 संतोष सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपकी सारी पीडीएफ की फाइल्स जो हैं वहाँ पे दे दी जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ जोड़ते जाएं, ताकि आप जो यहाँ पढ़ें वहाँ पीडीएफ फाइल के रूप में भी आपके पास क्या हो, अवेलेबल हो। ठीक है, तो शुरू करें अपना एडिटोरियल, चलिए देखते हैं। करें वन फॉर द पुअर, ये वन कहाँ से आया बच्चों पता है? यहां से देखा है, ये पैकेज, यानी वन पैकेज फॉर द पुअर, यानी एक ऐसा पैकेज फॉर द पुअर जो किन के लिए लाया गया है बच्चों? गरीबों के लिए लाया गया है, और ये आपका किसके ऊपर है? ये है आन कोरोनास, ये आपका आन कोरो, सॉरी मेरा ध्यान यहां चला गया था, आन सेंटर्स कोरोना पैकेज, यानी केंद्र सरकार का जो कोरोना का, कोरोना के लिए, यानी कोरोना पीड़ितों के लिए जो लाया गया पैकेज है आपका, उसी पर ये पूरा एडिटोरियल आपका लिखा गया। ठीक है, मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, आप बच्चों के लिए आप अपनी राय जरूर दें, अगर मैं ऐसा करूं तो ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं क्या करना चाह रहा हूं बच्चों, मैं करना ही चाह रहा हूं, जैसे अब यहीं पे लाइन आपकी है, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये यहां से पूरा लाइन मैंने ले ली और यहां तक ले लिया। ठीक है, ये पूरी लाइन ले ली, और मैंने आपसे पूछा कि पूरी जो लाइन है, फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंसिव सकर, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या जितने भी शब्द यहां लिखे हैं वर्ड्स, क्या इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बता सकते हैं, तो क्या हम इसे अपनी पर डे के शेड्यूल में इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी एक लाइन आपको दी जाए, उस लाइन में आप हर एक शब्द की पहचान करें कि फूड ग्रेन्स क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है, विल क्या है, ऑफर क्या है, इमीडिएट क्या है, रिलीफ क्या है, बट क्या है, वर्कर्स क्या है, नीड क्या है, मोर क्या है, यहाँ सब्सटेंशिप क्या है और सकर क्या है। ठीक है, क्या ये पहचानने से आपका फायदा होगा? कैसे पहचाने? जैसे फूड ग्रेन्स हैं, है ना,
अनाज होता है ना, अन्न, तो अनाज तो कोई चीज है ना, तो कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान क्या होता है बच्चों, क्या होता है याद है ना, नाउन होता है। वैसे भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉर्मली नाउन ही होता है। विल ऑफर, ऑफर यहां क्या है, विल ऑफर प्रदान करना, देना। तो अगर ये प्रदान करने के सेंस में, देने के सेंस में है, तो ऑफर क्या है आपकी यहां पे, वर्ब। अगर ये वर्ब है तो विल यहां क्या हो जाएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब मॉडल के रूप में हो जाएगी। इमीडिएट रिलीफ, यहां पे आपका कॉमा लगा, यानी एक पार्ट ये सेंटेंस हो गया। रिलीफ क्या है, राहत सहायता, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन हुआ आपका ये। अभी अगर नाउन है तो इसके पहले इमीडिएट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, हो जाएगा ना। बट आप जानते हैं यहां पे कंजंक्शन है, क्योंकि यहां पे ये क्लॉज की शुरुआत कर रहा है। तो वर्कर्स क्या हो जाएगा यहां पे, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट है। वर्कर्स कौन है, लोग हैं, लोग क्या होंगे, नाउन, इसका मतलब वर्कर्स नाउन हो गया। नीड यहां किस रूप में है, वर्ब रूप में। जरूरत होना वर्ब हो गई ना, इसका नीड यहां क्या है, वर्ब हो गई। मोर सब्सटेंसिव सकर है ना, अभी सकर क्या है, राहत, तो जो रिलीफ है वही सकर भी है। तो अगर सकर यहां पे है, इसका मतलब ये यहां पे क्या है आपका, नाउन हो गया ना। और अगर ये नाउन है तो नाउन के पहले सब्सटेंसिव क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव। और अगर सब्सटेंसिव एडजेक्टिव हो जाएगा तो मोर क्या हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा बच्चों, एडवर्ब हो जाएगा ना, एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब। ऐसे एक लाइन ले लें अपना और पहचाने, इससे धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वह उस लाइन में किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि ध्यान रखें बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में काम करता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ इस पेज में। चलिए यही ले लेते हैं बच्चों, बट आप जानते हैं ना, बट एक कंजंक्शन भी होता है, तो यही बट जो है एक प्रीपोजिशन भी होता है, और यही बट जो है एक प्रोनाउन भी होता है। यानी एक ही बट आपका कंजंक्शन है जब क्लास की शुरुआत करी, एक बट आपका प्रीपोजिशन है जब इसके बाद केवल नाउन फ्रेज आए या नाउन आए, और एक बट आपका क्या है, प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन के रूप में कार्य करे, हु की तरह कार्य करे। मींस ये जो शब्द हैं ये अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं, ऐसे पहचान ना सके। ठीक है, मैंने समय लिया आपका एक्स्ट्रा, आगे बढ़ते हैं हम और शुरू करते हैं अपना, अपनी राय जरूर दीजिएगा इससे इस पर कि क्या ये सेक्शन चलाना सही रहेगा, और राय देना सीखें बच्चों, इससे आपके अंदर भी फ्लुएंसी आएगी, चीजों को एक्सप्रेस करने की क्षमता आएगी। चलिए देखें, फूड ग्रेन्स यानी जो अनाज है, विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ, ये क्या प्रदान करेंगे, इमीडिएट रिलीफ यानी तुरंत राहत प्रदान करेंगे। यानी जो अगर आप अनाज देते हैं तो इससे तुरंत राहत मिलेगी, बट लेकिन वर्कर्स नीड, लेकिन मजदूरों को आवश्यकता है, जरूरत है, देखिए वर्कर्स प्लूरल था ना, तो नीड में यश नहीं जोड़ा गया, मजदूरों को आवश्यकता है मोर और अधिक सब्सटेंसिव मीन्स सकर, यानी मजदूरों को और अधिक मात्रा में सकर, किस चीज की जरूरत है, राहत यानी सहायता की आवश्यकता है। सब्सटेंसिव मीन्स ज्यादा, अधिक, महत्वपूर्ण, इन्होंने और अधिक और ज्यादा सकर यानी सहायता या राहत की आवश्यकता है, किन्हीं बच्चों, इन वर्कर्स को। यानी ठीक है, आप उन्हें क्या दे रहे हैं, इमीडिएट रिलीफ के रूप में क्या दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, लेकिन उन्हें और अधिक मोर सब्सटेंसिव सकर की आवश्यकता है, मीन्स और अधिक ज्यादा उन्हें राहत की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोर देन 50 days सिंस से देखिए पूरी क्लास शुरू हो रही है, पहले हम इतना बना लेते हैं, ये ना, मोर देन 50 days यानी 50 दिनों से अधिक हो चुके हैं सिंस, जब से, जब भी सिंस के बाद वाली क्लास होती है तो ये आप इसमें लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे होगा, यानी 50 दिनों से अधिक समय हो चुके हैं सिंस, जब से अ नेशन वाइड लॉकडाउन, जब से राष्ट्रव्यापी बंदी यानी लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, क्या हुआ था, घोषित हुआ, पैसिव है ना, वाज अनाउंस्ड, तो अगर वाज अनाउंस्ड है पैसिव में तो निश्चित ही एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा आपका। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा तो निश्चित ही आपको जब पैसिव बनाएंगे तो वो कंटिन्यूअस में जाएगा। करें 50 दिनों से अधिक का समय हो चुका है सिंस अ नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड,
जब से ये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई किसके द्वारा, बाई, ये बाई द यूनियन गवर्नमेंट बता रहा है, एक पैसिव वॉयस है, बाई द यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन नेशन वाइड लॉकडाउन घोषित हुआ, अनाउंस हुआ, उससे बीते करीब कितने दिन हो गए, 50 दिनों से ज़्यादा हो गए, और तब से इट इज़ क्लियर, ये क्या है, बिल्कुल अस्पष्ट है, दैट कि व्हाट वाज डन एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर, कि जो कुछ भी किया गया, व्हाट वाज डन या सब्जेक्ट के रूप में, जो कुछ भी किया गया एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर, किस रूप में, लोगों के स्वास्थ्य उपाय के रूप में, लोगों के स्वास्थ्य के उपाय के रूप में, व्हाट वाज डन, जो कुछ भी किया गया टू प्रोटेक्ट पीपल, उन्हें क्या रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, वाज डन, ये वाज किसके लिए है, वाज डन ये वाज है आपकी क्लास के लिए, कौन सी क्लास, व्हाट वाज डन, ये आपका यहाँ क्या था, सब्जेक्ट, और अगर ये सब्जेक्ट था तो फिर इसकी जो वर्ब आएगी ये क्या हो जाएगा, आपकी वर्ब आएगी, यहां देखिए आएगी जो अभी मांगे, फिर से देखते हैं बच्चों इससे, ठीक है, देख करें, मोर देन 50 डेज यानी 50 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है सिंस अ नेशन वाइड लॉकडाउन वाज अनाउंस, क्या होते हुए, यानी राष्ट्रव्यापी बंदी की घोषणा होते हुए, बाय द यूनियन गवर्नमेंट, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुए, कितने दिनों के करीब, 50 दिनों से अधिक का समय हो चुका है, एंड इट इज क्लियर, और ये स्पष्ट है, दैट कि व्हाट वाज डन, कि जो कुछ भी किया गया एज अ पब्लिक हेल्थ मेजर, किस रूप में, लोगों के स्वास्थ्य के उपाय के रूप में, टू प्रोटेक्ट पीपल, कि उनको क्या किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके फ्रॉम द COVID-19, किससे, कोरोना वायरस 2019 से, यानी कोरोना वायरस 2019 से सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जो कुछ भी किया गया, जो कुछ भी, व्हाट वाज डन, जो कुछ भी किया गया, और अब देखिए इसकी वर्ब आएगी, वो जो कुछ भी किया गया, ये थ्रेट मतलब खतरे के लिए था कोरोना वायरस के, वो जो कुछ भी किया गया हैज स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, हैज स्नोबॉल्ड यानी जो कुछ भी किया गया पब्लिक, लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हैज स्नोबॉल्ड, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है, इनटू अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, किस तरफ, एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ, यानी जो कुछ भी लोगों के स्वास्थ्य उपाय के रूप में किया गया अब वह एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में स्नोबॉल हो चुका है, बढ़ चुका है, फॉर द अर्बन पुअर इन जनरल एंड माइग्रेंट लेबर इन पर्टिकुलर, और ये क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस किनके लिए बढ़ चुकी है, फॉर द अर्बन पुअर, मैंने कहा था ना, यानी जो शहरी गरीब हैं उनके लिए, इन जनरल यानी जो जनरल में है, एंड माइग्रेंट लेबर और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से, यानी सामान्य रूप से देखें तो जो अर्बन पुअर हैं, शहरी गरीब हैं, उन्हें भी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, और अगर विशेष रूप से देखें, इन पर्टिकुलर देखें, तो जो माइग्रेंट लेबर हैं इन्हें भी उस इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। जो वर्ड्स आपने देखे यहाँ पे वो कौन से देखे, कौन से, फूड ग्रेन्स तो जानते होंगे, अनाज को कहते हैं, ऑफर प्रस्ताव रखना या प्रदान करना, रिलीफ आप जानते हैं, इमीडिएट आप जानते हैं, सब्सटेंसिव याद हो गया, और ज़्यादा मीन्स महत्वपूर्ण, सकर पहले से भी आप पढ़ें, सहायता या राहत, और यहाँ पे कोई वर्ड, नेशन वाइड लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अनाउंस आप जानते हैं, इट्स क्लियर दैट व्हाट वाज डन इन पब्लिक हेल्थ, मेजर याद हो गया आपको, यहाँ पर नाउन के रूप में उपाय है आपका, प्रोटेक्ट सुरक्षित रखना, थ्रेट खतरा चुनौती, स्नोबॉल किसी चीज़ की इंटेंसिटी या इम्पोर्टेंस, साइज जब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा हो, मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस मीन्स एक बड़ा आर्थिक संकट कह सकते हैं, अर्बन पुअर जो शहरी गरीब हैं, इन जनरल सामान्य रूप से, और माइग्रेंट लेबर जो प्रवासी मजदूर हैं, इन पर्टिकुलर विशेष रूप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द ट्रेवल्स,
ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स द ट्रेवल्स, यानी वो शारीरिक और मानसिक यातना, वो शारीरिक और मानसिक पीड़ा, वो शारीरिक और मानसिक चिंताएं ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, किनकी, जो प्रवासी मजदूर, यानी उन प्रवासी मजदूरों को जो शारीरिक और मानसिक कष्ट हैं, हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड. डॉक्यूमेंट मीन्स केवल दस्तावेज ही नहीं होता है, डॉक्यूमेंट मीन्स लिखना भी होता है. तो हैव बीन यानी इन चीज़ों के बारे में, हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, बहुत अच्छी तरीके से क्या किया गया है, लिखा गया है. यानी उन मजदूरों के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, इन मजदूरों के जो ट्रेवल्स थे, यानी मानसिक और शारीरिक जो उनके एफर्ट्स थे, उनके जो एक्सर्शंस थे, इन जो प्रयास थे, कठिनाइयां थी, उन चीज़ों के बारे में हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड मीन्स अच्छी तरीके से लिखा गया है. बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप लगता हो कि हैव बीन जो है ये वर्कर्स के लिए है, तो आप फिर गलत फहमी में. मैंने कई बार कहा सब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन के पहले होता है, तो इसके लिए ट्रेवल्स के लिए, यानी शारीरिक और मानसिक एक्जर्शन, प्रयास के लिए, ठीक है. विद लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, यानी उन्हें क्या खोना पड़ा, विद लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स यानी उन्हें अपनी आजीविकाओं का नुकसान हुआ, और इसके साथ दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेन्यूरी, चूंकि उनकी आजीविकाएं क्या हो गई, उनका लॉस हो गया, तो दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेन्यूरी. वो किस चीज में अब ढकेले जा चुके हैं, किस चीज का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, पेन्यूरी, एक्सट्रीम पॉवर्टी का, यानी बहुत अधिक गरीबी का सामना करना पड़ रहा है. इन देयर प्लेसेस, उन स्थानों पर ऑफ वर्क, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जहां पर भी वो कार्य कर रहे हैं, उन स्थानों पर उन्हें अब पेन्यूरी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत अधिक गरीबी का. क्यों करना पड़ रहा है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, क्योंकि उनका जो आजीविका का साधन था वो क्या हो गया है, लॉस, समाप्त हो चुका है. एंड और विद द लॉकडाउन इनिशियली प्रिवेंटिंग इंटर स्टेट ट्रेवल, विद द लॉकडाउन, और जो लॉकडाउन है इनिशियली, याद हो गया, प्रारंभिक रूप से, यानी शुरुआत में, यानी ये लॉकडाउन जो इनिशियली प्रिवेंटिंग, जो शुरू में रोक रहा था, प्रतिबंधित कर रहा था इंटर स्टेट ट्रेवल, किस चीज को, अंतरराज्यीय यात्रा, यानी लॉकडाउन जो शुरू में अंतरराज्यीय यात्रा को क्या कर रहा था, रोक रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ, मैनी, बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स थे, हैव एम्पार्क्ड ऑन आर्डुअस जर्नी, उन्होंने क्या शुरू कर दी है, अपनी लंबी कठिन यात्राएं शुरू कर दी, उन लोगों ने एम्पार्क में शुरू करना, लंबी कठिन यात्राएं शुरू कर दी हैं टू देयर नेटिव प्लेसेस, कहां पहुंचने के लिए, अपने स्थानों पर, घरों पर पहुंचने के लिए, टू गेट सम सपोर्ट, ताकि वहां पर उन्हें क्या मिले, कुछ सपोर्ट, कुछ राहत मिले, समर्थन मिले, सहायता मिले, एट अ टाइम ऑफ अक्यूट डिस्ट्रेस, वो भी किस समय वो सहायता चाह रहे हैं, एट अ टाइम, एक ऐसे समय में, ऑफ अक्यूट, अक्यूट में तीव्र, बहुत अधिक, एक ऐसे समय में जब उन्हें बहुत अधिक, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, ऐसे समय में बच्चों कहाँ जाना चाहते हैं, वो नेटिव प्लेस से जाना चाहते हैं, जहाँ के लिए उन्होंने आर्डुअस जर्नीज को क्या कर दिया है, एम्बार्क ऑन कर दिया है, शुरू कर दिया है, है ना, है प्लस वर्क थर्ड फॉर्म, शुरू कर दिया है, कब शुरू कर दिया उन्होंने, एट अ टाइम, एक ऐसे समय में शुरू किया है, एक ऐसे समय में वो अपने घर पे पहुंचना चाहते हैं, ऑफ अक्यूट डिस्ट्रेस, जब उनके अंदर बहुत अधिक डिस्ट्रेस है, निराशा है. बच्चों ये शब्द देखिएगा, अक्यूट पेन, ये जैसे कोई कहे ही इज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट पेन, यानी वो बहुत अधिक दर्द से ग्रस्त है, त्रस्त है वो, ठीक है, ये अक्यूट पेन या अक्यूट डिस्ट्रेस होता है. इन द सेकेंड ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजर्स, यानी इन द सेकेंड ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजर्स, यानी मेजर्स मीन्स उपाय, यानी उपायों की दूसरी सीरीज में, यही ना, दूसरी श्रृंखला में, यानी जो उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उनकी सेकेंड ऑफ सीरीज ऑफ मेजर, यानी बहुत सारे जो उपाय, श्रृंखलाबद्ध उपाय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इन द सेकेंड, उसमें जो दूसरी सीरीज है, मतलब दूसरी बार जो हो रहा है, दैट क्या हो रहा है, दैट आर पार्ट ऑफ अ
20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज, यानी उल्टा बोले बच्चों, सरकार ने क्या घोषित किया, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया, किन के लिए, गरीबों के लिए या जो भी दिक्कत में है, परेशानी में कोरोना की वजह से। तो इनके लिए जो पहले उपाय किए गए थे, उपायों की श्रृंखला जारी की गई थी, उसी श्रृंखला चरण में जब दूसरी बार ये कदम उठाए जा रहे हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस समय जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, नहीं निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, दूसरे प्रयास में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, उसकी दूसरी किस्त कह सकते हैं, किस्त में हैज ट्राइड, इसमें उन्होंने कोशिश की है क्या, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ दीज सेक्शंस, कि इन सेक्शंस की यानी इन वर्गों की आवश्यकताओं को क्या कर सकें, वो एड्रेस कर सकें, अर्थात उनका समाधान कर सकें, निराकरण कर सकें, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स, किनसे अलग, जो छोटे छोटे किसान हैं उनसे अलग, यानी छोटे छोटे किसानों से अलग इन सेक्शन से, कौन सेक्शंस, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनकी जो आवश्यकताएं जरूरतें हैं इनके निराकरण की कोशिश कर रही, कौन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ऐसी उन्होंने क्या की है, कोशिश की है। ठीक है, वर्ड्स देख लें, ट्रेवल्स, जब आप बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, मीन्स एक्जर्शन करते हैं, कि ट्रेवल्स कहलाता है। माइग्रेंट वर्कर्स याद हो गया, बिल्कुल आपको कई बार आप पढ़ चुके हैं अब इसको, मीन्स प्रवासी मजदूर, और वेल डॉक्यूमेंटेड अच्छी तरीके से लिखा गया है, लाइवलीहुड्स आजीविका, पुश इनटू किसी परिस्थिति में ढकेल दिया जाना, पेन्यूरी याद कर लें गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, इनिशियली प्रारंभिक रूप से शुरू में, इंटर स्टेट ट्रेवल अंतर्राज्यीय यात्रा, नेटिव प्लेसेस अर्थात उनका जन्म स्थान मूल स्थान, अक्यूट डिस्ट्रेस मीन्स बहुत अधिक निराशा, तीव्र निराशा, मेजर्स याद कर लें बिल्कुल उपाय, एड्रेस यहां निराकरण करना, समाधान निकालना, सेक्शंस आप जानते हैं वर्गों कहते हैं, और अपार्ट फ्रॉम से अलग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शी, समझ रहे होंगे शी किसके लिए, प्रोनाउन के रूप में निर्मला सीतारमण जी के लिए, शी हैज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना होता है, जैसे आई रिकॉग्नाइज यू, आई आइडेंटिफाई यू, लेकिन रिकॉग्नाइज मीन्स मानना, स्वीकार करने के सेंस में भी होता है, शी हैज रिकॉग्नाइज्ड यानी उन्होंने माना है, उन्होंने स्वीकार किया है, दैट की माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी मजदूर हैं, हैव टेकन टू, उन्हें शामिल कर लिया गया, उन्हें डाल दिया गया है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, किसमें उन्हें शामिल कर लिया गया है, नहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना में, नहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना में इन माइग्रेंट वर्कर्स को शामिल कर लिया गया है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, स्वीकार किया है, इन अ मेजर वे, और ये बड़े तरीके से किया गया, बड़े मकसद के साथ किया गया है, कब, आफ्टर द सेंटर, जब केंद्र सरकार ने गिव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, जब केंद्र सरकार ने गिव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, जब उसने अस्पष्ट क्या दिया, उसने अस्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिए, दिशा निर्देश दिए, टू रीओपन द स्कीम, कि ये जो स्कीम है ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कि केंद्र सरकार ने कहा टू रीओपन द स्कीम, कि इसको फिर से शुरू किया जाए, तो फिर से शुरू किया गया इस स्कीम को, योजना को, और इसमें इन माइग्रेंट वर्कर्स को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, हैव टेकन टू शामिल कर लिया गया, और ऐसा किसने स्वीकार किया है, उन्होंने यानी निर्मला सीतारमण जी ने स्वीकार किया है, एज इन द पास्ट, जैसा कि अतीत में हुआ, क्या, कि दिस रिमेन्स दिस, समझ रहे हैं बच्चों, ये योजना जो ऊपर आपने पढ़ी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये जो योजना है ना रिमेन्स बनी हुई है अ लाइफ सेवर, यानी जीवन रक्षक के रूप, यानी आज भी योजना गरीबों के लिए लाइफ सेवर है, लाइफ को सेव करने वाली है, फॉर पीपल, ऐसे लोगों के लिए लाइफ सेवर है
डिपेंडेंट, हु आर डिपेंडेंट, जो निर्भर हैं, आश्रित हैं, डिपेंडेंट ऑन देखिए है, डिपेंड ऑन, जो आश्रित हैं, निर्भर हैं फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स, किन पर? अस्थाई, यहाँ फ्रेजाइल मतलब अस्थाई लाइवलीहुड्स आजीविका पर, यानी जो लोग अस्थाई आजीविकाओं पर निर्भर हैं, ऐसे ही लोगों के लिए ये योजना एक लाइफ सेवर के रूप में है, मीन्स उनके जीवन रक्षक के रूप में है। एंड और द डिसीजन, ये जो निर्णय है, कौन सा निर्णय बच्चों? टू एक्सटेंड इट, कि इस योजना को क्या किया जाए? एक्सटेंड किया जाए, इसे एक्सटेंशन दिया जाए, मीन्स इसे बढ़ाया जाए। ये जो निर्णय है इज टू द मानसून सीजन, वो भी कब तक बढ़ाया जाए? मानसून सीजन तक, यानी ये निर्णय टू एक्सटेंड इट टू द मानसून सीजन, किसे मानसून के मौसम तक बढ़ाया जाए, वो निर्णय इज वेलकम, कैसा है बच्चों? स्वागत योग्य है। यानी सरकार निर्णय लिया कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसे कुछ ही समय के लिए नहीं, पूरे मानसून जो मौसम है यहाँ तक इन मजदूरों के लिए क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो लेखक करें ये कदम उनका क्या है, सरकार का, इज वेलकम, स्वागत योग्य है। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर, इसी लाइन इंश्योर याद हो गया होगा बच्चों, सुनिश्चित करना, और शुड के साथ देखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा आंधी आ जाए, पानी आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज पूरब से पश्चिम उगने लगे, लेकिन मॉडल अपने आगे किसी भी अवस्था में तुरंत अपने आगे वर्ब के केवल और केवल बेस फॉर्म ही यूज करेगी, कभी भी सेकेंड थर्ड या आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेगी, गारंटी रखे आप। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर, यानी सरकार को यह भी क्या करना चाहिए बच्चों, सुनिश्चित करना चाहिए, क्या? दैट कि वेजेस, कि जो मजदूरी है, आर पेड, वो क्या की जा रही हो? अदा की जा रही हो, दी जा रही हो विदाउट डिलेज, कैसे दी जा रही हो? बिना देर के, यानी सरकार को इस चीज को भी इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उन मजदूरों को जो मजदूरी दी जा रही हो, वेजेस जो दी जा रही हो, विदाउट डिलेज दी जा रही हो, मीन्स उसमें देरी ना की जा रही हो, अ मेजर प्रॉब्लम, और ये देरी करना बच्चों अ मेजर प्रॉब्लम, यानी जो सबसे बड़ी, बहुत बड़ी समस्या रही है विद द स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन लेटली, लेटली मीन्स हाल ही में, हाल ही में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम रही, मेजर प्रॉब्लम रही है विद द स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन, कि इस योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हुआ, यानी इस योजना को लागू ठीक से नहीं किया गया, इसलिए लेखक ने कहा कि वेजेस आर पेड विदाउट डिले, कि जो मजदूरी मिले उन मजदूरों को विदाउट डिलेज मिले, अर्थात उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिए। अ वेव, ये सुझाव है बच्चों, इसलिए मैंने कहा ये एक सजेस्टिव टोन है यहां, अ वेव यानी कहीं कहीं राहत यानी छूट कह सकते हैं, आर या एट लीस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द 100-day लिमिट पर हाउसहोल्ड, यानी हर एक घर में या तो 100 दिनों की एक सीमा बना दी गई होती, इसे विस्तृत 100 दिनों तक एक्सटेंशन दे दिया गया होता, या वेवर दे दिया गया होता, मीन्स उनको कुछ राहत छूट दे दी गई होती, टू तो ये चीज भी वुड हैव हेल्प्ड, तो इस चीज ने भी उनकी क्या की होती, मदद की होती, अर्थात इससे भी उन्हें क्या मिलती, मदद मिलती, अगर उन्हें 100 दिनों की सीमा बढ़ा दी गई होती, और या तो उन्हें एक वेवर दे दिया गया होता, मीन्स राहत दे दी गई होती। इट इज नाउ अप टू, याद करें अप टू मैंने कल या परसों बताया था, तक है ना, इट इज नाउ अप टू द स्टेट्स, यानी अब ये किस पर है बच्चों, अप टू द स्टेट, अभी राज्यों तक है, अर्थात राज्यों के ऊपर है अब ये, टू इंश्योर कि वो क्या करें, सुनिश्चित करें द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली, कि यह जो स्कीम है, योजना, इसे अच्छी तरीके से, उचित तरीके से इंप्लीमेंटेड किया जा रहा है, मीन्स क्या किया जा रहा है, इसे लागू किया जा रहा है, और ये किस पर निर्भर है बच्चों, अब ये राज्य सरकारों पर निर्भर है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। वर्ड्स देख लें, यहाँ रिकॉग्नाइज कर, स्वीकार करना, मानना, माइग्रेंट वर्कर बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, और कोई चीज, मेजर बड़ा मुख्य, एक्सप्लिसिट याद हो गया आपको, अस्पष्ट, इंस्ट्रक्शंस दिशा निर्देश, रिमेन्स बना हुआ है, लाइफ सेवर जो लाइफ को सेव करे,
डिपेंडेंट ऑन आश्रित फ्रेजाइल लाइवलीहुड्स मीन्स अस्थायी आजीविका, अर्थात उन्हें पता ना हो कब उनको आजीविका का साधन मिलेगा कब नहीं रहेगा। एक्सटेंड बढ़ाना, इंश्योर याद हो गया सुनिश्चित करना, वेजेस याद हो गया मजदूरी, मजदूरी के सेंस में हमेशा प्लूरल, देखिए ध्यान से वेजेस आर, मैंने कहा था ना वेजेस आर तो, और फल या परिणाम के सेंस में ये सिंगुलर यूज करें। डिले समझते होंगे देर, इम्प्लीमेंटेशन याद कर लें बच्चों, क्रियान्वयन, अक्सर ऐसे बोलें आप यार योजनाएं तो बहुत बनती हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, यानी योजनाएं तो बहुत बनती हैं लेकिन उनका लागू होना, उनका अस्तित्व में आना, उनका क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। लेटली याद हो गया आपको हाल ही में, इसके स्थान पर आप ये वर्ड भी यूज करते हैं रिसेंटली। एक ट्रेडिशनल ग्रामर में अगर आप समझना चाहते हैं तो रिसेंटली की खासियत है कि आप इसे पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों में यूज करते हैं, और लेटली की खासियत है कि आप नॉर्मल ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं बच्चों, बट इसकी जो प्रीफ्रेंस होती है वो ये होती है कि आप इसे केवल परफेक्ट में यूज़ करते हैं, नॉर्मल सेंस में आप इंडेफिनिट नहीं यूज़ करते हैं। अगर एज एज वगैरह का प्रयोग होता है वहाँ पे आप इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, बट जो याद रखें वो ये रिसेंटली का प्रयोग इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों में कर सकते हैं, और लेटली नॉर्मली ट्रेडिशनली परफेक्ट में यूज़ करें। ओके और कोई वर्ड आपको जो छोटा, हाउस होल्ड में समझते होंगे घर परिवार, वुड हैव हेल्प्ड यानी सहायता की होती हुई होती, इंश्योर याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंप्लीमेंट यहां पे वर्ब के रूप में है। इस सेशन बच्चों बढ़िया जा रहा है, मेहनत करें धीरे धीरे और बेहतर होगा। देखें करें फॉर माइग्रेंट्स, वो मजदूर उन मजदूरों के लिए, उन प्रवासियों के लिए Who are still stationed? देखिए एडिटोरियल पढ़ने से वर्ड पावर आपकी ना मजबूत हो आपके, और धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, क्योंकि ऐसी चीज है ना आपको ऐसे ऐसे शब्द ले आएगी जो आपने सोचा नहीं। क्या आपने सोचा था बच्चों कि स्टेशन भी वर्ब की तरह यूज हो सकता है? देखिए यूज किया गया है। तो ऐसे प्रवासी who are still stationed, जो अभी भी स्थित हैं, पड़े हुए हैं इन देयर places of work, कहां पर पड़े हुए हैं? उन्हीं स्थानों पर जहां वो कार्य कर रहे थे। एंड और who are not beneficiaries, और जो लाभार्थी नहीं है ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, किसके यानी राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा एक्ट के, नहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के जो लाभार्थी नहीं है वो, और जो अभी भी अपने जहां कार्य कर रहे थे वहां पड़े हुए हैं, ऐसे माइग्रेंट्स आर स्टेट स्कीम्स, या ऐसे माइग्रेंट्स जो किसी राज्य की योजना में बेनिफिशरीज नहीं है, लाभार्थी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए फार है ना, ऐसे प्रवासियों के लिए द फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री ने हैज प्रॉमिस्ड, क्या दिया है, एक वचन दिया है, मीन्स एक तरह से भरोसा दिलाया है, 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन, ध्यान रखिएगा पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 kg अनाज दिया जाएगा, एंड 1 kg ऑफ चना, और 1 kg उनको चना दिया जाएगा पर फैमिली, एक परिवार में पर मंथ, एक महीने में फॉर 2 months, और कब तक दिया जाएगा, 2 महीनों तक दिया जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, इजी लाइंस है। किन लोगों को दिया जाएगा ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो अभी भी प्रवासी हैं और उन स्थानों पर फंसे हुए हैं जहां पर वो काम कर रहे थे, वहां पर स्टेशन रहे वो, और ऐसे लोग भी जो किसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या किसी स्टेट स्कीम में क्या नहीं है बच्चों, लाभार्थी नहीं, बेनिफिशियरी नहीं है, ऐसे लोगों को ही 5 kg अनाज पर व्यक्ति पर पर्सन के हिसाब से और 1 kg प्रति परिवार प्रति मंथ के हिसाब से 2 महीनों तक दिया जाएगा। समझ गए होंगे, दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल, दिस विल ब्रिंग, ये चीज यानी ये जो कार्य है कि इतने परिवारों को ऐसे दिया जाएगा, दिस विल ब्रिंग द नंबर ऑफ पीपल यानी यह उन लोगों की संख्या सामने ले आएगी रिसीविंग, जो क्या कर रहे होंगे, हु आर रिसीविंग, जो प्राप्त कर रहे होंगे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, सब्सिडाइज्ड मीन्स जो सहायता प्राप्त होते हैं, कहते हैं ना सब्सिडी दी जा रही है, मीन्स कहीं कहीं सहायता दी जा रही है,
तो जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्राप्त कर रहे होंगे क्लोज टू द लीगल रिक्वायरमेंट, जो कि कानूनी आवश्यकता है, जरूरत है, ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो एक्ट है, कानून है, इसकी जो कानूनी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वैधता है, उसकी संख्या को, बच्चों नंबर ऑफ पीपल है ना, उनकी संख्या को क्या ले आएगी, दिस विल ब्रिंग सामने ले आएगी, किनकी संख्या को, रिसीविंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, जो सब्सिडी पर आधारित फूड ग्रेन्स क्या कर रहे होंगे, प्राप्त कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे, उनकी संख्या इससे क्या हो जाएगी, सामने आ जाएगी कि वो 67% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की कितनी करीब 67%, ये जो संख्या है 67%, ये सामने आ जाएगी कि हाँ इतने लोग जो हैं वो इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। इट इज अ वेलकम रिलीफ, ये देखिए पॉजिटिव सेंस है बच्चों, है ना, कहने का, यानी कदम सरकार का एक वेलकम रिलीफ है, यानी स्वागत योग्य राहत भरा कदम है फॉर मेनी स्टार्वड वर्कर्स, किनके लिए, उन बहुत सारे वर्कर्स के लिए स्टार्वड जो क्या मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, बट लेकिन द गवर्नमेंट, यहां देखिए सजेशन है, बट द गवर्नमेंट कुड हैव एक्सटेंडेड, लेकिन गवर्नमेंट बढ़ा सकती थी द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन सरकार बढ़ा सकती थी क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कवरेज, यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था की कवरेज है, उसकी सीमा है, सरकार उसे बढ़ा सकती थी, कैसे, टू इंक्लूड, शामिल करने के लिए किनको, मोर पीपल, यानी उसमें और लोगों को भी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वो और लोगों को भी शामिल कर सकती थी, हु आर सफरिंग, जो पीड़ित हैं फ्रॉम लॉस ऑफ जॉब्स, किन चीजों से, अपनी जॉब्स खो जाने की वजह से, एंड लाइवलीहुड्स, और अपनी आजीविकाएं खो जाने की वजह से, बिसाइड्स माइग्रेंट वर्कर्स, और लोग कौन है, वो लोग हैं बच्चों जो माइग्रेंट वर्कर्स नहीं, ये वो लोग हैं जिनकी जॉब की छुट्टी हो चुकी है, मतलब जॉब इनकी छूट गई है और उनकी आजीविका छूट चुकी है, ऐसे लोगों को भी लेखक कह रहे हैं उन्हें भी इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कवरेज में टू इंक्लूड क्या कर लेना चाहिए था बच्चों, शामिल करना चाहिए था, ताकि ये लोग भी कहीं कहीं उस राहत के मतलब भागीदार होते, वो भी कहीं कहीं अपने आप को रिलीफ या रिलीव्ड महसूस करते, ठीक है, समझ में आया वो। चलिए वर्ष देख ले, माइग्रेंट से याद हो गया बच्चों आपको, स्टेशन्ड स्थित होना, कहीं पर रहना, और बेनिफिशियरी याद हो गया, लाभार्थी, ये एक्ट है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या एक्ट, सॉरी स्टेट स्कीम, समझ रहे होंगे आप, फूड ग्रेन्स याद हो गया, अनाज, और कोई वर्ड जो आप नहीं सुनाया हो, सब्सिडाइज, जब आप सब्सिडी देते हैं, अर्थात कहीं कहीं जैसे मान लीजिए आप जानते हैं बच्चों कि जो कोई चीज़ सरकार महंगे में खरीदती है लेकिन जनता को सस्ते में देती है, कोटे वगैरह, कैसे, कि उसके साथ उस सब्सिडी को क्या करती है, वो जोड़ देती है। और कोई वर्ड स्टार्वड याद हो गया, स्टार्वड भूखे लोग, अर्थात जो भूख से पीड़ित हों, एक्सटेंड याद हो गया, बढ़ाना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण होता है, और सफ़र के साथ याद रखिए, देखिए सफ़र फ्राम लगा है, ही इज सफरिंग फ्राम फीवर होता है ना बच्चों, बचपन से आप याद किए होंगे, और बिसाइड्स जानते होंगे, के अलावा, के अतिरिक्त, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट पैसेज है आपका, मिस सीतारमन, यानी सीतारमन जी आल्सो अनाउंस्ड, इन्होंने ये भी घोषित किया दैट की द वन नेशन वन राशन का स्कीम, यानी उन्होंने ये कहा कि अब हमारे पास एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम होगी टू अलाउ माइग्रेंट्स, ताकि उन माइग्रेंट्स को, प्रवासियों को, इस चीज की अनुमति दी जा सके, उनकी पहुंच बनाई जा सके, है ना, एक्सेस, ताकि उनकी पहुंच बनाई जा सके एनी फेयर प्राइस शॉप, किसी भी फेयर प्राइस शॉप तक उनकी पहुंच बनाई जा सके अक्रॉस द कंट्री, वो भी पूरे देश भर में किसी भी शॉप पर वो जा सकें। इसके लिए क्या बना दिया उन्होंने, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बनाई, विल बी इम्प्लीमेंटेड, और ये योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड, लागू की जाएगी, क्रियान्वित की जाएगी
बाई मार्च 2021 यानी 2021 मार्च तक ये योजना तक बाई मीन्स यहाँ पे तक बाई टुमारो कल तक बाई मार्च 2021 यानी 2021 मार्च तक इस योजना को क्या कर दिया जाएगा, क्रियान्वित कर दिया जाएगा बच्चों। कौन सी योजना? वन नेशन वन राशन कार्ड। किसके लिए? माइग्रेंट्स को अलाउ करने के लिए, ताकि उनकी पहुंच हो एनी फेयर प्राइस शॉप, किसी भी फेयर प्राइस शॉप तक, और वो पूरे देश भर में इस योजना को लागू किया जाएगा। ठीक है, बट लेकिन दिस स्कीम, लेकिन ये जो योजना है एज इंप्लीमेंटेड नाउ, जैसा कि इस समय क्रियान्वित है, हैज बीन यूटिलाइज्ड ओनली स्पेरिंगली बाई माइग्रेंट। इस योजना को अभी बहुत कम ही माइग्रेंट्स यूज करते हैं, उनके द्वारा यूज किया जाता है। एंड कंसर्न्स और चिंताएं फ्रॉम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, और तमिलनाडु जैसे राज्यों की जो चिंताएं हैं, वेयर जहां पीडीएस याद हो गया होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, फिर से देख लें बच्चों यहां से आप, एक मिनट आ गया, चले करें। बट दिस स्कीम, लेकिन यह जो योजना है, कौन सी योजना? वन नेशन वन राशन कार्ड, ये जो योजना है एज इंप्लीमेंटेड नाउ, जैसा कि अभी ये लागू है, हैज बीन यूटिलाइज्ड ओनली स्पेरिंगली बाई माइग्रेंट। यूटिलाइज समझते होंगे उपयोग में ले आना, यानी अभी बहुत कम ही स्पेरिंगली, बहुत कम ही माइग्रेंट्स के द्वारा इस योजना का उपयोग किया जाता है। एंड और कंसर्न्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, और तमिलनाडु जैसे राज्यों की जो चिंताएं हैं, वेयर जहां, कहां? तमिलनाडु में, जहां पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नियर यूनिवर्सल, लगभग हर जगह व्याप्त है, आर वो कंसर्न, यानी ऐसे राज्यों की जो चिंताएं हैं, आर येट टू बी एड्रेस्ड, याद हो गया होगा एड्रेस्ड बच्चों, येट टू बी एड्रेस्ड, ऐसी चिंताओं का समाधान निकलना अभी भी क्या है, येट टू बी एड्रेस्ड, अभी भी समाधान निकलना बाकी है। किस चीज का? उन चिंताओं का। कौन सी चिंताओं का? फ्रॉम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु जैसे राज्यों की, कहां पर? वेयर पीडीएस इज यूनिवर्सल, जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हर जगह पर है। मेनी ऑफ द अनाउंसमेंट्स, बहुत सारी घोषणाएं, घोषणाएं जो हुई उनमें बहुत सारी घोषणाएं, इंक्लूडिंग वन, जिनमें एक घोषणा शामिल है फॉर स्मॉल फार्मर्स, किसके लिए? छोटे छोटे किसानों के लिए, नहीं, छोटे छोटे किसानों की को शामिल करने के अलावा जो घोषणाएं हुई उनमें से बहुत सारी घोषणाएं, और देखिए ना ध्यान से, मैनी के साथ आर है ना, उनमें बहुत सारी घोषणाएं आर अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है ऑफ लिक्विडिटी, यानी लेन देन से संबंधित नकद की, एंड और क्रेडिट ईजिंग मेजर्स, और किस चीज के लिए है कदम? ये क्रेडिट ईजिंग मेजर, यानी ऐसे मेजर्स की, ऐसे उपायों के जिसमें क्रेडिट ईजिंग, जिसमें आप आराम से क्रेडिट यानी उधार लोन ले सकते हो, इनका यानी लिक्विडिटी और क्रेडिट ईजिंग मेजर्स का कॉम्बिनेशन है। आर या द एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, या फिर क्या है ये? यह जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, यानी वर्तमान योजनाएं हैं, विद्यमान योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं को एक्सटेंशन दे दिया गया, मीन्स क्या कर दिया गया बच्चों? बढ़ा दिया गया, उनकी अवधि बढ़ा दी गई। एज थिंग्स स्टैंड, जैसे कि चीजें आपको दिख रही हैं, दे फॉल शॉर्ट ऑफ द सब्सटेंसिव फिस्कल मेजर, यानी जब चीजें सामने आती हैं, अस्तित्व में आती हैं, तो होता क्या है? दे फॉल शॉर्ट ऑफ, वो असफल हो जाती हैं बच्चों, ऑफ द सब्सटेंसिव फिस्कल मेजर्स, किन चीजों के लिए? महत्वपूर्ण यानी ज्यादा अधिक आर्थिक उपायों के लिए ये योजनाएं क्या हो जाती हैं? फॉल शॉर्ट ऑफ, असफल हो जाती हैं। कौन से उपाय? दैट कुड स्टिम्युलेट, जो उपाय कुड स्टिम्युलेट, प्रेरित कर सकते थे, डिमांड बढ़ा सकते थे, डिमांड को यानी मांग को, किस चीज में मांग को? इन द इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था में मांग को स्टिम्युलेट कर सकते थे, बढ़ा सकते थे और प्रेरित कर सकते थे, वैसे फिस्कल मेजर्स, वैसे सब्सटेंसिव फिस्कल मेजर्स, अर्थात महत्वपूर्ण जो आर्थिक उपाय होते हैं,
फाल शार्ट ऑफ क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, कब? एज थिंग्स स्टैंड, जब ये सामने आते हैं। आफ्टर ऑल जो भी हो, यानी सबके बावजूद, दैट सीम्ड टू बी द क्रक्स, ये जो कुछ भी हुआ, दैट ये जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ सीम्ड प्रतीत हुआ टू बी द क्रक्स, कि यह क्या है, निर्णायक बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस, किससे इसका, प्रधानमंत्री की उस वचन का, उस प्रॉमिस का, ऑफ स्पेंडिंग 20 लाख करोड़, जिसपे उन्होंने कहा था कि मजदूरों पर या इस तरह के लोगों पर 20 लाख करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से वर्ष देख लेते हैं, अच्छा लग रहा होगा आपको, जो बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बच्चे जो हैं वो मेरा भी उत्साह वर्धन करते रहें, ताकि और बेहतर करने की मैं कोशिश करूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताते रहें, शेयर करते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। ठीक है, वर्ष देख लेते हैं, यहाँ पे अनाउंस आप समझ रहे होंगे, घोषित किया, वन नेशन वन राशन कार्ड समझ रहे होंगे आप, माइग्रेंट्स बिल्कुल याद हो गया होगा आपको, एक्सेस याद हो गया होगा, पहुँच को कहते हैं, और एक्रॉस पूरा, एक तरफ से दूसरी तरफ यानी पूरी तरफ, इम्प्लीमेंटेड याद हो गया, क्रियान्वित होना, लागू होना किसी चीज़ का, और फिर वही वर्ड है आपका यूटिलाइज, प्रयोग में ले आना, उपयोग में ले आना, स्पेयरिंगली, स्पेयर से बनाए बच्चों, कम ही, कंसर्न्स चिंताएं, नियर यूनिवर्सल लगभग हर जगह जो प्राप्त हो, व्याप्त हो, टू बी एड्रेस जिसका समाधान निकालना बाकी हो, और कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, लिक्विडिटी नकद लेन देन जो कैश से संबंधित है, क्रेडिट ईजिंग मेजर्स यानी क्रेडिट यानी उधार लेने के जो उपाय हैं उनको आसान करने का तरीका, एक्सटेंशन विस्तार, एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं इस समय वो एग्जिस्टिंग होती एग्जिस्ट करती हैं, फॉल शॉर्ट ऑफ याद हो गया, असफल हो जाना, सब्सटेंसिव बच्चों याद हो गया होगा, दूसरी बार पढ़ रहे हैं आप, महत्वपूर्ण या अधिक, फिजिकल याद हो गया होगा, दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, आर्थिक मौद्रिक, मेजर से याद हो गया उपाय, स्टिम्युलेट जानते हैं आप, प्रेरित करना, उद्वेलित करना, बढ़ाना, डिमांड किसी चीज़ की मांग, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, सीम प्रतीत होना, क्रक्ष निर्णायक गुण, डिसाइसिव पॉइंट आपका, प्रॉमिस तो आप करते ही रहते हैं और उसे तोड़ते भी रहते हैं आप। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अब हम, और ये सेक्शन हमारा है ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस में से एक, कि क्या आपने जितने भी वर्ड सामने दिए सब मैंने एडिटोर आज के एडिटोरियल में से मैंने दिए हैं बच्चों, तो क्या आपने जो पढ़ा वो आपको तैयार हो गया, क्या फूड ग्रेन्स आपको याद हो गया, जब मैं बोलूँ तो आप मन में सोचें कि क्या आपको याद है, फूड ग्रेन्स अनाज, प्रोटेक्ट याद हो गया, सुरक्षित करना, डॉक्यूमेंट याद हो गया, वैसे दस्तावेज होता है लेकिन यहाँ पे लिखा पढ़ी करना, एम्बार्क याद हो गया, दूसरी बार पढ़ रहे हैं आप, शुरुआत करना, आरंभ करना, एड्रेस पता नहीं, पता नहीं एड्रेस, यहाँ पे निराकरण करना, समाधान निकालना, लाइफ सेवर एक ही में रहेगा, जीवन रक्षक, इंश्योर सुनिश्चित कर देना किसी चीज़ को, एक्सटेंशन विस्तार, आप अपने घर पे एक्सटेंशन बोर्ड्स यूज़ करते होंगे, एक्सेस पहुँच आपकी, लिक्विडिटी नकद कैश से संबंधित, स्टिम्युलेट प्रेरित करना, बढ़ाना, उद्वेलित करना, सब्सटेंशिव याद हो गया होगा, तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं आप, मीन्स महत्वपूर्ण या अधिक, थ्रेट बहुत बार पढ़ चुके, खतरा चुनौती वर्ग के रूप में, खतरा उत्पन्न करना, धमकी देना, पुश इनटू ढकेल देना, शोव इनटू कर दिया जाना, ऑडवर्स जो चीज़ बहुत अधिक एक्सर्शन प्रयास एफर्ट्स की डिमांड करती हो, कठिन, अपार्ट फ्रॉम किसी चीज़ से अलग, जैसे अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स इन बिंदुओं से अलग, फ्रेजाइल जो चीज़ कोमल हो बहुत, क्षणभंगुर हो लेकिन यहाँ पर अस्थाई, वेजेस याद हो गया, परिणाम के सेंस में सिंगुलर और पारिश्रमिक के सेंस में प्लूरल, बेनिफिशरीज लाभार्थी जो लाभ प्राप्त करें किसी ट्रस्ट किसी विल वगैरह से, यूटिलाइज उपयोग करना, ये वर्ड मैं बहुत यूज़ करता हूँ, जैसे आपको अपने एक एक पल को यूटिलाइज करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्तमान विद्यमान, डिमांड किसी चीज़ की मांग करना, मतलब मांग नाउन के रूप में, सकर तो याद हो गया होगा, राहत सहायता हेल्प, स्नोबॉल्ड जो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती गई वो स्नोबॉल हो रही है, पेन्यूरी याद हो गया, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अक्यूट तेज तीव्र बहुत ज़्यादा, एक्सप्लिसिट अस्पष्ट, लाइवलीहुड्स आसान है आजीविकाएं,
इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज़ का क्रियान्वयन, किसी योजना वगैरह को अमली जामा पहनाना, सब्सिडाइज सहायता देना स्पेरिंगली बहुत कम ही, फॉल शॉर्ट ऑफ असफल हो जाना, कमी रह जाना, क्रक्ष निर्णायक बिंदु कोई, मेजर याद हो गया उपाय, मेजर मीन्स मापन करना भी होता वर्ब के रूप में, ट्रेवल्स बहुत अधिक कष्ट वगैरह जो मानसिक या शारीरिक एफर्ट्स होते हैं वो ट्रेवल्स होते हैं, इनिशियली शुरुआत में प्रारंभिक रूप में, डिस्ट्रेस मीन्स निराशा हताशा, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, एक्सटेंड बढ़ा देना वर्ब के रूप में, वेवर कोई छूट कोई रियायत या किसी राइट या क्लेम पर से अपना दावा हटा लेना, स्टार्वड भूखे लोग, यूनिवर्सल सर्वव्यापी हर जगह जो व्याप्त हो सार्वभौमिक, फिस्कल आर्थिक मौद्रिक और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, ठीक है। और ये लास्ट सेगमेंट सिर्फ देखने के लिए है जो आप अपने ले सकते हैं, इनकी सारी वर्ड ले लें आप, स्क्रीन शॉट्स ले लें, ये जो मेन वर्ड्स होते हैं उनका मैं आपको हिंदी में उन वर्ड्स को इंग्लिश में यूज करके दे रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया है, मैजिकल टिप्स हैं बच्चों जो आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो कमजोर लेवल जो मॉडरेट हैं जिनको ये लगता है कि सर हम कैसे इंग्लिश में सब कुछ यूज करेंगे, तो ऐसे बोले ना कि तुम्हारा ये कदम बहुत सब्सटेंसिव है, अर्थात तुम्हारा ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, थ्रेट आपको नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे बोले ना कि ये कदम हम सब के लिए एक थ्रेट है, अर्थात ये कदम हम सब के लिए एक खतरा है, लाइवलीहुड्स नहीं आ रहा है, ऐसे बोले ना आजकल लाइवलीहुड्स कमाना बहुत मुश्किल है, अर्थात आजीविका कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसे बोले हैं, ये आपको मेहनत करनी बच्चों, ये रिटन मेहनत मैं करता हूं कि मैं लिख दूं और आप इसे अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं एक बार पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा है ना कि अगर आप इन वर्ड्स को यूज करें अपनी पर्सनल लाइफ में रोज रूटीन लाइफ में, आप देखें ना कैसे नहीं याद हो जाएगा, और एक दिन आप कहेंगे कि वर्ड्स आर इजी टू लर्न, यानी जो वर्ड्स हैं ये याद करने के लिए क्या है बहुत आसान है, कैसे एडिटोरियल की मदद से और संतोष श्रीवास्तव की मदद से, ठीक है। तो संतोष श्रीवास्तव को अपना सपोर्ट बच्चों बनाए रखें, मैं हर हाल में आपके लिए बेहतर ही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन यानी एडिटोरियल कल, और जल्दी मेरा आजकल में ही मेरा शुरू होगा आपका कौन सा सेक्शन याद है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक्सरसाइज का सेक्शन, तैयार रहिएगा जल्दी, आठों सेगमेंट्स देख लीजिएगा जो मैंने पढ़ाए हुए हैं सारे पार्ट्स आठों पार्ट्स, और फिर इन पार्ट्स पे आप सारी एक्सरसाइज करिएगा जो सारे सेंटेंसेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दूंगा आपको, ठीक है। एडिटोरियल रेगुलर देखते रहें, बाकी भी अपनी जो मैथ्स रीजनिंग जीएस है इन सब की प्रिपरेशन भी प्रॉपर करते रहे बच्चों, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।